जमशेदपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना मरीजों की संख्या को बढ़ते देख जमशेदपुर उपायुक्त सूरज कुमार ने दिए कड़े निर्देश, जिसके तहत कोरोना संक्रमित पाए जाने वाले घरों को सील कर उस पर पोस्टर चिपकाया जा रहा है। आइए देखते हैं यह पूरी रिपोर्ट। सर्विलांस टीम में मजिस्ट्रेट के रूप में प्रियंका सिंह उपस्थित रही। उन्होंने बताया कि कोरोना से डरना नहीं है, हिम्मत के साथ काम लेना है। किसी भी स्थिति में आप सर्विलांस टीम को फोन कर सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। सारी सुविधाएं प्रशासन की ओर से उपलब्ध कराई जा रही है। जुड़ी में कोविड केयर सेंटर खोला गया है। साथ ही साथ संक्रमितों को निर्देश दिया गया है कि आप सब 14 दिनों तक घर में आइसोलेशन रहकर सावधानी से रहेंगे। जिसको कोरोना है उन्हें अलग रखकर सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे और साहस प्रदान करें, जिससे कि वह ठीक होकर। कोरोना संक्रमितों को कहा गया कि यदि आप निर्देशों का पालन नहीं करेंगे तो मजबूरन आपको कोविड केयर सेंटर में रखना पड़ेगा। जमशेदपुर से शिव शंकर शाह की रिपोर्ट। बाजार में हम लोग हल्दी पोखर यहाँ पे बुर्जा बाजार में हम लोग, और यहाँ दो लोग जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो यहाँ हम लोग इस घर को सील कर दिए हैं ताकि लोग जो हैं वो एक दूसरे के संपर्क में ना आए और कम्युनिटी ट्रांसमिशन जो है उस पर रोक लगाई जाए। और इनको जानकारी मुहैया करा दी गई है कोरोना के विषय में। इससे डरने की आवश्यकता नहीं है, लोग ठीक हो जा रहे हैं, बस परहेज़ की आवश्यकता है और ये देखने की ज़रूरत है कि ये जो है ट्रांसमिशन बाकी लोगों में फैले ना, जिसके वजह से टीम मेंबर्स के साथ सर्विलांस टीम जो है पुरजोर तैयारी के साथ कार्य कर रही है बाहर निकल कर के। और हल्दी पोखर जैसे एरिया, प्रेमनगर, अलग अलग जगहों पे भी जा कर के सीलिंग का काम चल रहा है ताकि लोग जल्दी से स्वस्थ हो जाए। मेडिकल के लिए भी ANM CHO उनका भी हेल्प लिया गया है, वो भी साथ में आ रहे हैं, उनका जांच किया जा रहा है, ऑक्सीजन लेवल जिस तरह की जिसको ज़रूरत पड़ रही है वो हम लोग मुहैया करवा रहे हैं। और अगर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है तो MPC के ऑपोजिट में बेड भी बनाए गए हैं, 20 बेड वाला। वहाँ किसी को भी अगर इमरजेंसी के कंडीशंस में वहाँ एडमिट करने की ज़रूरत है तो भी हमारे द्वारा उनको सलाह दी जा रही है। क्या क्या सावधानी बरतने को कहा जा रहा है? सावधानी कोरोना केस में सबसे पहली सावधानी जो है, अगर कोई पॉजिटिव हो जाता है तो संपर्क, एक दूसरे से संपर्क नहीं करना है। 2 गज दूरी मास्क है ज़रूरी, ये तो मतलब नेशनल एंथम जैसा हो गया है।